नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। प्रतिपक्ष में राधा कृष्ण गौशाला पर गुप्ता जी द्वारा एक सुंदर कांड किया गया, जहां डॉक्टर नरेश शर्मा द्वारा गौ माता के बारे में बताया गया कि गौ क्या है, गौ हमें क्या देती है, गौ माता को गौ माता क्यों कहा जाता है। आइए गुप्ता जी और हमारे मेहरा जी हैं, इनकी मंडली को है और हमारे डॉक्टर साहब नरेश शर्मा जो गौ भक्त हैं ही हैं, जो दिन रात एम्बुलेंस जो चला रखे हैं, कोई भी लंगड़ी डोली गाय हो उसकी सेवा करते हैं, वो हमारे गौ भक्त लगे हुए हैं। हमारे जनरल शास्त्री जी हैं ही हैं, हमारे पंडित सुरेश सैन जी, लाला जी, अनेक माताएं बहने, विष्णु माता जी आई, बहन जी आई हैं, लक्ष्मी नगर से आई हैं और हमारे सब लोग दूर दूर से आते हैं। अपर्णा माता, इनकी ऐसी गाय गुप्ता जी दान हुई कि आज उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, जो माता जी खड़ी है पहले नंबर पर। तो ऐसे ऐसे भाव लगे हैं। हमारे विष्णु पंडित जी आए, हमारे वो पंडित जी खड़े हुए नीला हरा कुर्ता पहने हुए, तो अनेक लोग भगवान की कृपा से लगे हुए हैं, महाराज जी खड़े हैं। तो सभी गौ भक्तों का अभिनंदन नंदन है कि ऐसे ही गौशाला की सेवा में लगे रहे, गौ माता रहेगी तो हमारी संस्कृति रहेगी। अब हमारे डॉक्टर नरेश शर्मा, ये बताया गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि जब भी ईश्वर को हम भोग लगाते हैं, देवी माँ को भोग लगाते हैं, हनुमान जी को, राम जी को, ठाकुर जी को, सबको भोग लगाना चाहते हैं, तो हम ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाते हैं, गाय माता को भोग लगाते हैं या अग्नि में हवन करते हैं। तो गाय माता कितनी सहज है, सरल है, निर्दोष है, सबसे आसान है। जो आपकी सब्जियों के छिलके हैं, जो केले का छिलका है, जो घिया तोरी टिंडे का जो आप छिलका उतारते हो, गोभी का छिलका उतारते हो, गाय माँ उस छिलके को भी खाती है। कहते हैं कि एक माँ जन्म देकर हमें पृथ्वी पर लाती है, लेकिन हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक विकास करती है तो वो गाय माँ है। गाय अगर 25 का खाती है तो 50 का देती है। हम केला खाते हैं, गाय छिलका खाते हैं, हम गेहूं खाते हैं, गाय भूसा खाती है और बदले में देती है अमृतपुर, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। ऐसा कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं है जिसके सारे पदार्थ मानव जाति के कल्याण में काम आते हो। शेर का बच्चा पैदा होता है तो धारता है, बकरी का बच्चा पैदा होता है तो मिमियाता है, घोड़े का बच्चा पैदा होता है तो हिनहिनाता है, एक गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो माँ 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 करता है। ये माँ शब्द मानव जाति को गाय से मिला है, इसलिए गाय हमारी माँ है। बकरी का बच्चा अपने माँ के गर्भ में 2 माह, कुत्ते का 4 माह, भैंस का 10 माह, घोड़े का 11 माह, एक मनुष्य और गाय का बच्चा अपने माँ के गर्भ में 9 माह रहता है, क्योंकि गाय हमारी माँ है। और किसी संत ने कहा है कि हिमालय से ऊंची है माँ किंतु पाषाण सी कठोर नहीं, सागर सी गहरी है माँ किंतु सागर सी खाली नहीं, वायु सी गतिमान है माँ किंतु वायु सी अदृश्य नहीं, परमेश्वर की जननी है माँ किंतु परमेश्वर सी दुर्लभ नहीं। माँ की कोई उपमा नहीं होती, क्योंकि माँ उपमा नहीं होती, क्योंकि गाय हमारी माँ है। खंड भारत वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।